रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का युद्ध, एक मुक्का मैं मारूंगा, एक तुम मारो। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया, पर तुलसीदास जी कहते हैं जान उठे कि कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी घुटने के बल वीरासन में बैठे रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। और रावण अपनी 200 आंखें बार बार बंद करे, फिर खोले, फिर हनुमान जी ने कहा कि आश्चर्य मत करो, हम स्वस्थ हैं, पर अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से हाथ ऊपर उठाया मुक्के के रूप में, घबरा गए ब्रह्मा जी, शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले रोको, कहीं मुक्का गिर गया और रावण मर गया तो राम जी का तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। उनकी रामायण पूरी होने दो, तुलसीदास जी की और लीला राम जी की पूरी होने दो। अब हनुमान जी हाथ नीचे करें, आवेल ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े थे कि दया करो। हनुमान जी बोले थोड़ा सा स्वाद तो चखा देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण साधारण वीर नहीं है, और उस पर जब हनुमान जी ने प्रहार किया तो रावण को ऐसे लगा कि जैसे गिरिराज हिमालय वज्रपात हुआ हो। रावण धरती पर गिर गया, मूर्छित रहा बड़ी देर तक। बड़ी देर में आंख खुली तो बोला बड़े बलवान हो। हनुमान जी बोले बल तो इन्होंने देखने नहीं दिया ब्रह्मा जी और शंकर जी ने, बल तो तब होता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं।